जब आप किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, या ऐसे ही कोई भी गाड़ी, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी गुजर रही होती है, तो आपने कई दफा ये मंजर देखा होगा कि कुछ आवारा कुत्ते होते हैं जो सड़कों पर टहल रहे होते हैं, फुटपाथों पर बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई गुजरता है उधर से, कितनी स्पीड क्यों ना हो उसकी, ये उसके पीछे भागते हैं, भूखते हुए भागते हैं। आप क्या समझते हैं, ये कुत्ते उसे रोकना चाहते हैं, उसकी गाड़ी में सवार होना चाहते हैं, उसकी गाड़ी को चलाना चाहते हैं? नहीं, कोई मकसद ही नहीं है, उनके पास इस भूखने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैंने ये मिसाल आपको इसलिए दी है कि आपकी जिंदगी में भी जब आप कोई काम करने जाएंगे, कोई भी काम, छोटा काम बड़ा काम, तो आपको रोकने के लिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिना मकसद आपके ऊपर तनकीद कर देंगे। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, गैर भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी, कोई भी हो सकता है जो खड़े हो सकता है, जो आपको कुछ ऐसे कमेंट पास कर देगा कि आपका दिल बिल्कुल पारा पारा हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा, और आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार रास्ता सही नहीं मेरा, लोग कितने मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। अगर आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया है और वो रास्ता, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, रास्ता सही है, हराम नहीं है, मुबाह है, हलाल है, तो आप इन तनकीद करने वालों की फिक्र ना करें, आप उस रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि मंजिल आपका इंतजार कर रही है, वो हदफ आपको इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और कामयाबी कदम दोष होने के लिए तैयार है। शर्त है कि इनकी बातों में ना पड़े। आप अपने लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने जुस्तजू के साथ, इखलास के साथ उस काम को करते जाएं। आप दावत के मैदान में हैं, चलते रहें। आप तजारत में लगे हैं, लोग बहुत कुछ बातें करेंगे, आप लगे रहिए। किसी भी फील्ड में हैं जो मुबाह फील्ड है, आप एक राइटर हैं, मुस्बत अंदाज से लिखते हैं, आप चलिए। आप एक स्पीकर हैं, अच्छी बातें आप करते हैं, लोग आपके पीछे बातें करेंगे, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप अपने रास्ते पर चलें। यकीनन एक दिन वो आएगा जब आप बुलंदियों पर फाइज होंगे, और यही लोग जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, इनकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये किसी के लायक नहीं है। एक शेर है कि क्या कभी रोक भी सकते हैं सफर सूरज का, क्या कभी रोक भी सकते हैं सफर सूरज का, वो अंधेरे जो उजालों से हसद करते हैं, वो अंधेरे जो उजालों से हसद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी से एंजॉय करें, तो लोगों की फिक्र ना करें, बस शर्त यह है कि रास्ता सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, मबाह होना चाहिए, हराम में ना जा करके हलाल काम आप हलाल रास्ता अख्तियार करें, और उसके ऊपर चल पड़े तवक्कल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी मददगार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।